Hey friends, मैं हूँ गौरव और इमेजिन कीजिए आप एक विशाल से समुंदर में तैरती एक मछली हो। आप उस पानी की सबसे समझदार यानी इंटेलिजेंट मछली हो। आप एक जीनियस हो। आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि समुंदर क्या है, इसके प्राकृतिक कायदे कानून क्या है, कैसे इसके स्पेस में आप आगे पीछे मूव हो सकते हो और बाकी दुनिया भर की चीजें। वेल, कितने इंटेलिजेंट हो आप। आपने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हासिल कर लिया है। जैसे ही आप ये सोच रहे थे, वैसे ही एक इंसानी हाथ ऊपर से निकलता है और आपको जकड़े ऊपर ले जाता है। आपको ऊपर एक ऐसी दुनिया दिखती है जिसके बारे में अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आप देख रहे हो जीव जिन्हें पानी की जरूरत ही नहीं है सांस लेने में। आप देख रहे हो जीव जिन्हें फिन्स की जरूरत नहीं है मूव होने के लिए। और आप देख रहे हो एक ऐसी दुनिया जो नीचे की दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप यही सब देख के वापस नीचे अपने घर पानी में लौट पाए तो आप नीचे अपने साथी मछलियों से क्या कहेंगे कि ऊपर एक डायमेंशन में एक दूसरी दुनिया है जो हमारे वाले से कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट? वेल, क्या यही मछली आज हम इंसान है? आपको तो पता ही होगा कि ब्रह्मांड का जन्म एक विशाल से धमाके में हुआ था जिसे कहते हैं द बिग बैंग। ये तो ठीक है और सभी जानते भी है, लेकिन हमें ये कैसे पता? जाहिर सी बात है, हम तो वो समय वहाँ नहीं थे। वेल, जब आप रात में आसमान में देखते हो तो आपको तारों से आती हुई रोशनी में एक हल्की सी लाल रंग की झलक दिखाई देती है। इसे कहते हैं द रेड शिफ्ट और ये टेलीस्कोप्स द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स में अच्छे से कैप्चर होती है। रोशनी की रंग का स्पेक्ट्रम लाल रंग में तभी बदलता है जब वो रोशनी का सोर्स यानी स्रोत हमसे तेजी से दूर चले जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आपको स्ट्रेच होते सुनाई देती है, जैसे ही वो गाड़ी आपके करीब से दूर निकलती है। इसे कहते हैं द डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट। और आपको पता है, अगर आप ब्रह्मांड के इसी चलते हुए टेप को रिवाइंड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वेल, बिग बैंग, वो घटना जिसके होते ही सारे पार्टिकल्स और ऊर्जा एक दूसरे से दूर होते चले गए। स्पेस के वैक्यूम में प्रेशर उत्पन्न हो पाया जिसे हम आज डार्क एनर्जी कहते हैं। और ब्रह्मांड का अंत भी एक्चुअली निश्चित है। या तो एक दिन ग्रेविटी के वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाएंगे और बिग क्रंच हो जाएगा, या तो डार्क एनर्जी के वजह से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से कोसों दूर चले जाएंगे और द बिग रिप में ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन होगा जरूर, तो हम भी इसमें शायद खत्म हो जाएंगे, राइट? क्योंकि हम भी इसी ब्रह्मांड के अंदर ही तो है। वेल, इतने आसानी से नहीं। अरबों सालों बाद हम इंसान इस ब्रह्मांड को ही छोड़ देंगे और दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। क्या? अच्छा, मजाक कर लेते हो गौरव, आप जरूर सोच रहे होगे। वेल, बट आइए जरा हम फिजिक्स की दृष्टि से सोचते हैं। आज हमारे ब्रह्मांड में बहुत से रहस्य है, जैसे हमें नहीं पता कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है। हमें नहीं पता कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन कैसे इतना विचित्र व्यवहार करता है कि एक सेकेंड वो इधर है और दूसरे सेकेंड नहीं, एक टाइम में ही दो जगह मौजूद हो पाता है। हमें ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नजदीकी दायरे में ग्रेविटी से इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं पता कि बिग बैंग क्यों हुआ। क्या ये सब चीजें इनकम्प्लीट नहीं लग रही है? ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मछली पानी पे पड़ते सूरज की रोशनी को देख रही है और मेजर कर रही है एकदम सटीकता से, पर उसे ये नहीं पता चल रहा कि ये एग्जैक्टली क्या है और इसका स्रोत कहाँ है। पर अगर हम किसी और डायमेंशन यानी आयाम से और सभी चीजें देख पाए तो ये सभी पहलू आपस में जुड़ जाएंगे एक पजल की तरह और फिजिक्स के लॉज को हम बेहतर समझ पाएंगे। आज कुछ साइंस थियरीज है जिसका मानना है कि हमारी वास्तविकता में 12 डायमेंशंस यानी आयाम है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सभी कुछ को एकजुट बना सकते हैं, सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और ये 12 नंबर क्यों? क्योंकि उससे कम या ज्यादा डायमेंशंस हुए तो ब्रह्मांड मैथमेटिकली स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए स्ट्रिंग थियरी के कैलकुलेशंस के अनुसार 12 डायमेंशंस होना
जानना जरूरी है। स्ट्रिंग थियरी के बारे में अगर आपको नहीं पता था तो बेसिकली ये थियरी में मैटर यानी पार्टिकल्स को कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स माना गया है और उनके वाइब्रेशंस जो स्पेस में होते हैं उन्हें ऊर्जा मानी गई है। इस थियरी में एक बड़े स्तर पर माना गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़ा सा बुलबुला है जो और बहुत ऐसे ही बुलबुलों के साथ हाइपर स्पेस नाम के एक माध्यम में तैर रहा है। ये ब्रह्मांड के बुलबुले बड़े होते रहते हैं जैसे कोई भी आम सा गुब्बारा हवा भरने पर आकार में बढ़ने लगता है। हम इस बुलबुले में बैठी एक मक्खी की तरह है। जिस तरह से हमारा यूनिवर्स का बुलबुला एक्सपैंड हो रहा है और सितारे और सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बिल्कुल यही सेम चीज आपको एक गुब्बारे में भी देखने मिलेगी जब आप उसे एक्सपैंड करोगे तो दो पॉइंट्स के बीच दूरी बढ़ते दिखेगी जबकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से गुब्बारा एक्सपैंड हो रहा है। इसीलिए बिग बैंग का कोई पॉइंट नहीं है जहां से स्पेस बाहर के लिए एक्सपैंड हो रहा है। स्पेस हर जगह से एक्सपैंड हो रहा है जैसे वो गुब्बारा। हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसा ही है। डार्क एनर्जी पूरे स्पेस को हर जगह से एक्सपैंड कर रही है लेकिन ऑफ कोर्स हम ये सब नहीं देख सकते। इनफैक्ट हम तो तीसरे डायमेंशन को भी नहीं देख सकते। हम सिर्फ दो डायमेंशंस में ही देखते हैं। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। इमेजिन कीजिए आप ये कॉइन है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो या तो आपके करीब आ रहा है या तो दूर जा रहा है। अब ये जानने का कि ये किस तरफ आ रहा है आपके पास बस दो ही रास्ते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो फिजिक्स के लॉस के अनुसार आपको वो ऑब्जेक्ट छोटा होते नजर आएगा और अगर वही ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा होते नजर आएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट पीछे जाने के साथ साथ आकार में बढ़ता भी चला जा रहा है तो क्या आपको किसी भी हालत में ये पता चल पाएगा कि वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है? नहीं, राइट? लेकिन अगर कोई जीव एक दूसरे डायमेंशन यानी फॉर एग्जाम्पल ऊपर से देख रहा है तो उसे बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई देगा कि वो ऑब्जेक्ट पीछे भी जा रहा है और साथ साथ एक्सपैंड भी होते जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा किसी भी जीव को वो जिस डायमेंशन की दुनिया में रहता है उससे एक डायमेंशन कम में ही दिखाई देगा। और हमारे यूनिवर्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ब्रह्मांड के बाहर दूसरे ब्रह्मांड के बुलबुले हैं और ये सब के बाहर में भी दूसरे डायमेंशंस जो हमारे ब्रह्मांड को उस नजर से देख सकते हैं जिस नजर से हम मछलियों को या जिस नजर से ये चौथे डायमेंशन में जीने वाला जीव जो वो ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ते हुए देख सकता था। और इसी वजह से हम डार्क मैटर को भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो कोई दूसरे डायमेंशन में किसी दूसरे यूनिवर्स का मास है जो हम देख नहीं सकते, बस उसकी ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेविटी ऑफ कोर्स एक ऐसा बल है जो सारे डायमेंशंस को इफेक्ट करता है। और फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि ये हायर डायमेंशंस में दूसरे जीव यानी एलियंस भी रह रहे हैं जिनकी नजर हम पे पड़ी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये बहुत ही अजीब चीज है बट फिजिक्स के लॉस के अनुसार ये बिल्कुल पॉसिबल है और यही चीज साइंस को इंटरेस्टिंग भी बनाती है कि ये हमें हमारे रोजमर्रा की सोच से परे सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि हायर डायमेंशंस है और क्या वहाँ पे जीव है? कमेंट जरूर करना नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।